ये केक तो है लेकिन इसमें मैदा नहीं है, इसमें मिठास तो है लेकिन इसमें सफ़ेद चीनी नहीं है, इसमें क्रीम तो है लेकिन इसमें क्रीम नहीं है, इसमें कलर भी है लेकिन इसमें वो वाला कलर नहीं है। तो चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों की जगह मैं क्या क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैं ले रही हूँ मोल्ड को, पहले इसको ग्रीस कर लेते हैं। वैसे आप सोचते होंगे कि हमेशा ऐसे क्यों होता है कि हम मोल्ड को पहले ग्रीस क्यों करते हैं, कोई तो रीज़न होगा। वो इसी कारण, क्योंकि हमने जब बैटर तैयार कर लेनी है, जब हमने बेकिंग सोडा डाल देना है, तो फिर हम उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसका वो बैठ जाता है, फूलता नहीं है केक। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें जल्दी से उसे मोल्ड में डालना होता है। तो अगर हम केक पे सारा कुछ डाल के मोल्ड में डालेंगे, ग्रीस करेंगे, तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए हम लोग पहले उसको ग्रीस करते हैं। आप इसके लिए बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं ऑलमोस्ट वही चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ जो हर घर में अवेलेबल होती हैं, ताकि ये ना रहे ओहो आज ये चीज़ तो है नहीं, केक कैसे बनेगा, ऐसा ना हो। इसलिए हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। टिन को ग्रीस तो कर लिया है, लेकिन अब इसमें मैं फ्लोर डाल के डस्ट करने लगी हूँ इसको। जहाँ जहाँ पे ऑयल लगा है वहाँ पे हम इसे डस्ट कर लेंगे, बाकी का हम बाहर डस्ट कर देते हैं। ये मोल्ड मैंने डस्ट करके ग्रीस करके एक साइड पे रख दिया। साथ में हम ले लेते हैं कढ़ाई, तब तक ये गर्म हो जाएगी। कढ़ाई में बनाते हैं आज का केक। तो वैसे आप ऐसे भी बना सकते हो बिना सॉल्ट डाले, लेकिन क्योंकि मैं बेकिंग के लिए मैंने पहले भी एक बार यूज़ किया हुआ था सॉल्ट, तो मुझे लगता है इससे प्रोसेस क्विक हो जाता है, और कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं है इसमें सॉल्ट डालने से, मुझे लगता है, क्योंकि अदरवाइज़ 45 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जब सॉल्ट में बनाती हूँ ना, तो इट टेक्स 35 मिनट्स ओनली, 5-10 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है। पर चलो, सॉल्ट पड़ा हुआ तो मैंने यूज़ कर लिया, और इसमें मैं रख रही हूँ ये वाला स्टैंड। गैस मैंने कर दी है ऑन, जब तक हम मटेरियल रेडी करेंगे तब तक ये गर्म हो चुका होगा। इसको हम ढक देते हैं। अभी मैंने इसे मीडियम हीट पे रखा है, फिर जब थोड़ा गर्म हो जाएगा इसको स्लो कर देंगे। तो चलिए बैटर तैयार करते हैं। ये मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल, और 1/2 कप मैंने लिया है देसी खांड है ये, इसलिए 1/8 चम्मच मैंने ज़्यादा लिया है इसका। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क, ये रूम टेम्परेचर पे ही है, ना गर्म है ना या ठंडा है। अब इसमें साथ ही हम वनीला एसेंस डाल देते हैं, क्योंकि अगर वैसे तो बाद में भी डाल लेते हैं, लेकिन जितना हम कम से कम बैटर रखें बेकिंग सोडा डालने के बाद उतना ही बढ़िया है। तो इसको हम अभी ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने 1 कप आटा लिया है, ये होल व्हीट फ्लावर है, गेहूं का आटा, और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है मीठा सोडा, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ मिला लेंगे। तो अब मैं इसको छानने से छन के डाल रही हूँ, इससे एक तो अच्छे से मिक्सचर मिक्स हो जाता है, और एयर भी पास होती है, एयर पास होती है तो केक फ्लफी बनता है। और साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ 1/2 नींबू का रस। नींबू बड़ा हो तो आधा ही बहुत है, छोटा हो तो 1 डाल लेना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे एक ही साइड पे घुमाते जाएं, ज़्यादा नहीं घुमाना, जस्ट 2-4 बार, ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। और साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी किशमिश, ड्राई फ्रूट, ये कुछ काजू है कटे हुए, कुछ बादाम है। कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिए, और इसमें मैं रखती हूँ बटर।
यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए केक के लिए। बड़े ध्यान से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, तो अपना हाथ बचा के। गैस मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है इसको, और अब इसे कवर कर लेते हैं। तब तक हम और चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पनीर। इसके लिए दूध उबाल लेते हैं। दूध उबालने के लिए मैं हल्का सा पानी ज़रूर डालती हूँ ताकि वो जले ना, बेस ना जले। वैसे तो इसका बेस काफ़ी हैवी है लेकिन दूध लगे ना साथ में, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये मैंने लिया है फुल क्रीम दूध। टोंड भी ले सकते हो, फुल क्रीम हो तो फुल क्रीम ले लो, लेकिन मैंने कहा चलो पनीर आपको आगे पता चलेगा मैंने क्यों यूज़ करना है, तो इसलिए फिर मैंने फुल क्रीम ले लिया। दूध को उबाल आने तक इंतज़ार करते हैं और फिर इसमें डालेंगे लेमन और बनाएंगे इसका पनीर। दूध को उबाल आ चुका है और अब मैं, ये मैंने लिया है एक बड़े लेमन का रस, 1 लीटर में 1 लेमन, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करने लगी हूँ। ये मैंने लिया था 1 नींबू का रस, बड़ा नींबू था, और इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके मैंने दूध में मिला दिया है। और देखिए एकदम से पनीर बन गया और मैं गैस कर रही हूँ ऑफ। जब पनीर बन जाए ना तो उसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए गैस तुरंत बंद कर दें, उसे और ना पकाएं। देखिए पानी बिल्कुल अलग हो गया। इसमें से मैं पनीर निकाल लूँगी, बचेगा पानी, और पानी को भी आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोग तो कढ़ी में भी डालते हैं, आटा मल लेते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। इवन इसको पिया भी जा सकता है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, वो प्रोटीन जो लेते हैं ना वो इसी की बनी होती है। तो दिस इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत बढ़िया प्रोटीन होती है। अब हम पनीर को छान लेते हैं। इसको आप ठंडा करके भी छान सकते हो, लेकिन मुझे क्योंकि जल्दी है तो इसलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ। इसी का ड्राई फॉर्म वे प्रोटीन है। बच्चों को आप ये पानी दो, बहुत ही बढ़िया उनके लिए। साथ ही में मैं इसके मिक्स कर रही हूँ 2 चम्मच देसी खा। इसको ठंडा थोड़ा सा होने देते हैं और केक जी के दर्शन कर लेते हैं। वाओ नाइस, अच्छे से फूल रहा है। तो अब हम पनीर को कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड। तो ये हो गई हमारे केक के लिए क्रीम तैयार, हेल्दी क्रीम। ये वो नहीं है कि घी को जमा के उसको जो बनाते हैं, डालडा घी को जमा के, बाजार का पता नहीं होता ना कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितनी हेल्थी है, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। इसमें मैंने इसीलिए देसी खांड मिक्स करी थी कि इसमें भी थोड़ा सा मिठास आ जाए क्रीम में भी, और बच्चों को खाने में अच्छी लगे। तो चलिए तो हम कलरिंग एजेंट तैयार कर लेते हैं, यानी केक को हमने जो कलर देना है उस कलर को भी हम घर पे ही तैयार करेंगे। दैट विल बी अ नेचुरल कलर। इसके लिए मैंने 1 चुकंदर के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए, और साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप पानी, और साथ में मैं डालने लगी हूँ 2 चम्मच देसी खांड के, ताकि चुकंदर के पानी में थोड़ी सी मिठास आ जाए। 1 कप मैंने जैसे पानी डाला है तो हमने उसको थोड़े से करते रहने देना ताकि वो 1/2 कप पानी रह जाए और जो चुकंदर का कलर है ना वो अच्छे से उभर कर बाहर आए। चुकंदर का कलर अच्छे से निकल कर आ गया है। अब मैं इसको छान लेती हूँ, थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर बाद में छान लेती हूँ। एक कप मैंने डाला था, ये 1/2 कप के करीब रह गया। ये है चुकंदर का पानी जो अभी हमने अभी अभी बनाया, और उसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। तो लीजिए अब हो गई हमारी कलरफुल टॉपिंग तैयार।
बिना बाजार के कलर यूज किए, बिना केमिकल यूज किए। 35 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। यस, इट्स टोटली क्लीन। तो केक हमारा बन चुका है, गैस इज ऑफ। 2 मिनट के लिए ढक के रखे। किनारे से तो वैसे छूट चुका है, पर चलो अश्योर कर लेना चाहिए कि चिपका तो नहीं हुआ। केक को मैं छलनी के ऊपर जरूर रखती हूँ ताकि उसकी वो जो अंदर स्टीम होती है ना, उससे वो सॉगी ना हो। तो अब जब ये स्टीम निकल जाएगी एक आध मिनट में, तो फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे प्लेट पे, ताकि नीचे से भी हवा लगे और ऊपर से भी। अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं प्लेट में। तो चलिए केक पर हम इसकी लेयर देते हैं एक क्रीम की, जो कि एक्चुअली क्रीम नहीं है, ये चीज़ है, पनीर है, घर में बनाया हुआ पनीर। उसको मैंने ग्राइंडर में करके उसे पेस्ट कर लिया था। तो ना ही मेरे पास वो प्रॉपर टूल है आइसिंग के, क्योंकि मैं हमेशा ड्राई केक ही बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे पास वैसे टूल तो नहीं है। और मैं वैसे ही बना रही हूँ ताकि आप सब जैसे मैं बना रही हूँ ना टॉपिंग, चिंता मत करें, बस करते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर टूल्स होने चाहिए हमारे पास। हो तो बढ़िया है, नो डाउट हो तो बढ़िया है, लेकिन हमारा काम नहीं रुकना चाहिए कि हमारे पास वो अच्छे से लगाने वाला है नहीं तो कैसे करेंगे, होगा नहीं। तो मैं जुगाड़ कर रही हूँ ना, आप भी जुगाड़ कर लेना। एक और जुगाड़ मैंने किया है, ये मैंने नाइफ ले लिया है इसको साइड पे कवर करने के लिए। नीचे गिर जाए ना क्रीम तो गम नहीं करना, सब लास्ट में फिनिश हो जाएगा, अच्छा फिनिश देंगे हम इसको। चलो जी, क्रीम हमने चारों तरफ लगा ली है, चीजी क्रीम आई मीन। तो इसको ना मतलब फिनिशिंग देने के लिए आप हाथ अच्छे से धुले तो है ही है, क्योंकि हम खाने का काम कर रहे हैं, तो इसको आप हाथ से भी ऐसे टैप करके सेट कर सकते हो। साइड पे भी मैंने सारा लगा दिया है, इसको आप ऐसे ऐसे सेट कर सकते हो। ऐसे लाइन खींच दी है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसको हम करते हैं रेड। कोकोनट की पतली सी लेयर देना, क्योंकि बहुत सारा कोकोनट भी मुंह में आए तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, हल्का सा टेस्ट ही आना चाहिए उसका। ये अनटाइडी सा लग रहा है ना, तो परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा। घबराना ना हो, ये तो मज़ा नहीं आया, क्या बन गया। जब आप क्लीन करोगे ना तो बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी। पनीर के बॉल्स बड़े अच्छे से बन रहे हैं। वैसे इसकी डेकोरेशन मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी है, क्रीम के साथों हाथ बहुत चिपचिप हो जाते हैं ना, ये बड़े आराम से पकड़ो और टिका दो। जो हमें देखने में आंखों को खटक रहा था ना, उसको सफा कर लेते हैं। ये देखो कितने जुगाड़ में लगा रही है लाइन की अच्छी फिनिशिंग आ जाए, उसके लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। आप भी इन सब चीजों को यूज करके केक बनाना जरूर, और मुझे कमेंट्स में भी बताना, और हो सके तो पिक्चर भी अपलोड करना। अगर आपको इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स कुछ डिफरेंट लगे हों, अच्छे लगे हों, हेल्थी लगे हों, तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर देना।